नमस्कार, मैं हूँ कुसुम। मेरे किचन कुक विथ गुड मूड में आपका स्वागत है। मैं आज गाजर का हलवा बनाई हूँ। यदि आपको कभी भी मीठा खाने का मन हो तो झटपट में ये बन सकता है। तो चलिए हमारे किचन में और हम देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम गाजर घिसा हुआ लिया है। मैं गाजर को घिस ली कद्दूकस से। मावा, ये 100 ग्राम मावा है। दूध 300 ग्राम है। घी 2 बड़ा चम्मच। चीनी अपने मीठे अनुसार ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आपके घर में जो उपलब्ध हो वही ले सकते हैं। तो अब बनाते हैं। कढ़ाई गैस पे चढ़ाए, इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। उसके बाद घी जब पिघल जाए उसमें हम गाजर को डाल देंगे। इसको हम 5 मिनट अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद उसमें हम दूध डालेंगे और थोड़ा देर के लिए पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। इसे ढक के 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। इसके बाद हम जब दूध हाफ हो जाए तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी को भी उसके साथ थोड़ा सा गलने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। इसके बाद हम इसमें मावा डाल देंगे। ये मावा हमने 1 किलो से थोड़ा कम दूध का बनाया था। अब इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। देखिए अब ये बनके तैयार हो गया है। ये कितना अच्छा बनके तैयार हो गया और तुरंत में बन भी जाता है। आपको जब भी मन करे आप झटपटी से बना सकते। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।